जिस जगह पे बकरियां चर रही है वो रहा। शायद आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे यहाँ पे बकरियां चर रही है, जिस जगह पे बकरियां चर रही है ये जगह पूरा मैदानी इलाका है, और हमारे यहाँ जो भी ज़मीनें हैं पूरी तरीके से समतल है, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खेतों को लेके ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन पूरा जो इलाका है पूरा मैदानी इलाका जो है समतल है, और नदी वाले भी क्षेत्र पड़ता है, बहुत नज़दीक ही पड़ता है, कोई ख़ास दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर बस पड़ता है। तो जो बकरियाँ यहाँ पे घासें चर रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे घास चरती हैं, हरा चारा हम लोग के यहाँ होता है, चरी होता है, बरसीम होता है, 2 तरह का चारा होता है, तो भी मशीन से काट के खिला दिया जाता है। नहीं तो अधिकतर जो बकरियाँ हैं हमारे यहाँ चरने के ऊपर होती हैं, और घास का उचित प्रबंध होता है खासकर हमारे यहाँ, और पानी का भी बहुत अच्छा प्रबंध है इन लोग के लिए। बगल में ही डीजल सेट है, शायद ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, घर से हमारा जो घर से बकरियाँ जहाँ पर बाड़े में जहाँ पर बांधी जाती है वहाँ से बकरियों को ले आया जाता है यहाँ पर, खेतों में चरती हैं, पानी उधर जाके डीजल सेट पे पीती हैं, और फिर घर पे चली जाती हैं शाम के वक्त। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने कमेंट करके इस बकरी का, जो बड़ी वाली बकरी है उसका नाम बहुत सही सही बताए हैं, पिट्टल प्रजाति की बकरी हमारे यहाँ है और एक ही बकरी है। तो हमारे यहाँ भी ये बकरी लाने के पीछे भी एक बहुत अजीब सा, नितेश नितेश हमने कहीं बकरी कैसे मिला रहे हैं, कैसे बकरी मिला रहे हैं हमने के हैं, ये वाली बड़की वाली कैसे मिला रहे हैं, हाँ तो पैसा से खोजत गई रहा जा, किसी खास व्यक्ति के पास वो बकरी की प्रजाति रखी गई थी जो बिट्टल वाली है, और वहाँ पे उस बकरी का पालन थोड़ा कठिन था, यानी किसी कारणवश वो लोग हटाना चाहे बकरी को अपने घर से, बेचना चाहे, तो हमारे यहाँ के लोग जो हमारे घर के लोग हैं वो जाके इस बकरी को लाए थे, और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, करीब 5-6 महीना, 5-6 महीने के करीब बकरी हमारे यहाँ है, और बहुत ठीक ठाक है, और आगे क्या होगा अब ईश्वर जाने, किसी तरह चल रहा है। और ये सब तो देसी में है बकरियाँ, प्रजाति तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ठीक ठाक हैं ये सब भी बकरियाँ। एक बकरी की खास मैं बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बकरी ऐसी थी ब्लैक कलर की जिसका दूध बहुत ज़्यादा था, करीब 1 दिन में 2 लीटर दूध देती थी, सुबह शाम दोनों, सुबह शाम नंती सुबह शाम दोनों। मैं बार बार भाई से पूछ रहा हूँ, चरी काटी जा रही है तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अधिकतर जानकारी है बकरी के बारे में भाई को ही मालूम है, मैं घर पे बेशक रहता हूँ लेकिन ख़ास फोकस बकरियों पे मेरा नहीं रहता है, देख रेख का जो भी काम है भाई संभालते हैं छोटे छोटे, तो इसलिए मैं इन लोग से पूछ के जो जानकारी था शेयर कर रहा हूँ। और यही है, देखिए समूचे जितना भी जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है इधर हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा जगह है। हाँ, बरसात ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा भर जाता है, तो उसमें बकरियों का चरने का जो चरने के लिए जो घासें होती है थोड़ा कम हो जाता है, उस समय बकरियों को उतना पर्याप्त हरी ताज़ी घासें नहीं मिल पाता है, फिर भी हम लोग देते हैं, लेकिन बरसात में, बरसात समझ लीजिए इन लोग का एक खास दुश्मन ही होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इन लोग में अब दुबलापन की समस्या आसानी से आने लगता है, कितना भी अगर आप घर पे खिलाएंगे लेकिन जब तक इन लोगों को हरा ताज़ा घास फूस ना मिले कुछ तो ज़रूर फर्क आ जाता है, हमको भी अच्छी तरीके से मालूम है। हमारा भी एक समय बीत चुका है इन लोग के बीच में, जब मैं छोटा था तो भी उस समय बकरियां थी हमारे पास, उस समय बहुत ही एक जैसे कहा जाता है कि गरीब की गाय बकरी, तो वो बात साबित हो रही थी, उस समय की बात ही अलग थी। तो ये नहीं है कि बकरियां अभी हमारे पास है, बकरियां बहुत समय से है, करीब 8-10 साल पहले भी हमारे यहाँ बकरी थी, लेकिन बीच में जो है बकरियां नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और ये रखी गई है करीब 2 साल से बस।
जो भी हमारे यहाँ बकरियाँ हैं तो ये अर्निंग के लिए तो रखी ही गई है, लेकिन जो मेन मकसद के लिए रखी गई है सिर्फ दूध के लिए रखी गई है। घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, दूध में हल्का, जैसे गाय का दूध है बकरी का दूध है, तो बकरी को हम लोग समझे कि ये छोटे में कम जगह में रह सकती है, इसलिए हम लोग बकरी को लेके आए हैं। नहीं तो 10 साल पहले जो बकरियाँ थी, इसके बाद हम लोग का परिवार लोग में ये हुआ कि अब हम लोग बकरी नहीं रखेंगे किसी कारणवश, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद तो हालत ये हो गई कि बकरियाँ पे बकरियाँ आ गई। ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है ये मेल है, ओहो, और ये 5 महीने का हो चुका है। आ जा, हुई ब्लैक कलर का है, बहुत अच्छा है। और इधर हैं दो बकरियाँ, हेलो, कुछ ऐसे ही करके बुलाया जाता था पहले, हमको भी याद है अच्छी तरीके से, अभी वो दिन भी मैं नहीं भूला हूँ, बचपन में ऐसे ही अधिकतर बोला जाता था। और इन लोग के लिए, ओए इधर ना आ, और ये रहर की फसल है इधर, तो इन लोग को हटाने पड़ेगा, जाओ उधर है, जाओ अबे जाओ उधर, उधर जा, जाओ जाओ जाओ, अबे वो देखिए, अब वो देखिए।